हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर। इसमें हम पढ़ेंगे द कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ द आर क्यू ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है BSc पार्ट थर्ड के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के पेपर में। गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर को हम समझने से पहले हमें पढ़ना होगा कि RQ क्या है, दैट इज़ द रेस्पिरेशन क्वेश्चेंट। और RQ का जो होता है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इवॉल्व्ड CO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन। कितना जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर CO2 जो है वो इवॉल्व हुआ है, बाहर निकला है, और कितना जो है डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है यूटिलाइज हुआ है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो RQ कहलाता है। बाय कंपेयरिंग द RQ वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स और डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, हम क्या करेंगे इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है, लाइक हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और जो फैट्स हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, और इनका हम इस्तेमाल करेंगे। और हम देखेंगे कि इन सब में कि अगर हम प्रोटीन लेते हैं जिसका कि हमें ऑक्सीडेशन करना है, या हम फैट लेते हैं जिसका कि हमें ऑक्सीडेशन करना है, या फिर हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेना है जिसका कि हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो इनके अंदर जो हमारा RQ है इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना प्राप्त होता है। सबसे पहले ये जो एपरेटस आप देख रहे हैं ये गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर कहलाता है, एंड इट हैज़ ए लार्ज स्टॉपर्ड बल्ब जो है इसके अंदर की आप एक बड़ा बल्ब देख रहे हैं जिसके ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है। अ ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब है इसके अंदर, इसको आप देख रहे हैं ये एक साइड ट्यूब है जिसके अंदर की स्केल बना हुआ है। एंड बोथ द स्टॉपर एंड द नेक ऑफ द बल्ब हैव ए होल, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस जगह पे जहाँ मैं ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे एक होल होता है विच कैन बी यूज टू इक्वलाइज द एटमोस्फियरिक प्रेशर इनसाइड द एपरेटस। हमें एटमोस्फियरिक प्रेशर जो है उसको इक्वलाइज करना होता है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है ओपन द बल्ब ऑफ द रेस्पायरोमीटर, हम उसका ये जो स्टॉपर है ऊपर लगा हुआ इसको हटा देते हैं और उसके अंदर कुछ ड्रॉप जो है वो वाटर की डाल देते हैं, और नीचे की तरफ जो है वो हम एक फ़िल्टर पेपर लगा लेते हैं। अच्छा, हम फिल्टर पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि जो वाटर हमने डाला है उसे थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, और यहाँ पे कुछ जो है हम सम जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं या सकुलेंट लीव्स या फ्लावर्स वॉट एवर वी वॉन्ट टू टेक एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो वो हम इस बल्ब के अंदर सरफेस पे आप डाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं वो इसके अंदर डाले हुए हैं। नाउ द फिल द जो सलाइन वाटर जो है थ्रू द अदर एंड ऑफ ट्यूब, आप जो दूसरी वाली पार्ट जो देख रहे, अच्छा यहाँ पे जो है दिस इज़ द रबर ट्यूब, ये भी ग्लासवेयर है, ये भी ग्लासवेयर है, और इसको हमने जो जोड़ रखा है वो है हमारा रबर ट्यूब जो है उसके थ्रू हमने इसको जोड़ रखा है। फिल द जो सलाइन वाटर थ्रू द अदर एंड ऑफ द ट्यूब विच इज़ नोन एज लेवलिंग आर्म, एंड सलाइन वाटर और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज CO2 इज़ इनसॉल्यूबल इन दिस सॉल्यूशन। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो वाटर लिया है वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, और सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करता, विच इज़ CO2 इज़ इनसॉल्यूबल है इस सॉल्यूशन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, जब हमने ये रख दिया है तो हमने जो इसका बल्ब का जो ऊपर वाला स्टॉपर है वो बल्ब पे लगा दिया है। फर्स्टली इट इज़ एडजस्टेड इन अ वे दैट ए होल इन द बल्ब एंड दैट ऑफ स्टॉपर बोथ कम टू लाइन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि हमें क्या करना है इस तरह से स्टॉपर को लगाना है क्योंकि स्टॉपर में भी छेद होगा और इस बल्ब के ऊपर भी आप यहाँ पे कि यहाँ इस जगह भी एक छेद था, वो दोनों जो है एक दूसरे के सामने आ जाए ताकि जो एयर है वो ईजीली एंटर कर पाए। इस
में खास बात यह है कि जब हमने इस जगह पे, यानी कि जो हमने सलाइन वाटर भरा हुआ है उसके हमें लेवल को ग्रेजुएटेड है, इसका मतलब इस पे स्केल बनी हुई है और हमें इसके लेवल को नोट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट करने के बाद जो हमारा स्टॉपर था जिसके अंदर की छेद था और बल्ब के ऊपर भी छेद था, इन दोनों की, क्योंकि हमने पहले तो क्या किया ताकि एयर आ सके अंदर, अब हमें क्या है इसको एयर टाइट करना है, यानी कि बिल्कुल कट ऑफ करना है ताकि एयर जो है वो बल्ब में एंटर ना कर सके। इसका एक ही तरीका है कि स्टॉपर को इस तरह से घुमाया जाए कि उसका छेद और बल्ब का छेद जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने ना हो, तो जो है कट ऑफ हो जाएगा। नाउ जो है हम इस एक्सपेरिमेंट को वी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर 3 to 4 hours, और यहाँ पे जो है अब उसके बाद हम एक KOH का क्रिस्टल इसमें डाल देंगे, पुट इनटू द ट्यूब एंड चेंज ऑफ लेवल इज नोटेड केयरफुली। डेफिनेटली KOH डालने के बाद जो लेवल है उसके अंदर चेंज आएगा और उसको हम नोट करेंगे। अब हम रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन पे चलते हैं। इफ वी टेक कार्बोहाइड्रेट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होते हैं उसमें की जगह हमने क्या है, हमने क्या लिया है एज अ कार्बोहाइड्रेट लिया है, लाइक अ मेज, व्हीट, राइस, हमने जो कि दे आर फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर रेस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ CO2 evolved विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज इन द प्रोसेस, सो देयर विल बी नो चेंज एट ऑल इन द ओरिजिनल लेवल। जितनी CO2 जो है वो इवॉल्व होती है उतनी ही ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो जाती है, तो जो कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो जो लेवल है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। KOH के डालने के बाद जो मतलब जो लेवल है वो इक्वल रहेगा। सिमिलरली हमें पता है C6H12O6+6O2 और उससे बनती है हमारे 6CO2+ तो और 6H2O, तो हम देख रहे हैं कि जो जितने 6CO2 के मॉलिक्यूल जो हैं वो निकल रहे हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो यूज हो रहे, तो जो RQ है वो 6/6 होगा और आंसर जो होगा वो 1 होगा। तो अगर ऐसा है तो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे और जिनका RQ हमेशा जो है वो बराबर आएगा, तो जो ओरिजिनल लेवल होता है उससे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो हमारा KOH क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, जो CO2 है उसको एब्जॉर्व कर लेगा। नेक्स्ट है, अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की में की जगह जो मतलब के फॉर्म में हम अगर फैट लेते हैं, इन केस ऑफ द सीड्स ऑफ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स लाइक अ ग्राउंड नट, कैस्टर एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा, तो जो अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व इज लेस देन द अमाउंट ऑफ यूटिलाइज्ड ऑक्सीजन। मेरा मतलब है कि क्योंकि जो फैट होता है उनको कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू, तो CO2 कम निकलेगी लेकिन उन्हें उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्योंकि उनकी बॉन्ड की वजह से जो फैट है इवन, तो उनको तोड़ने के लिए जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो ज़्यादा होंगे लेकिन जो CO2 बाहर निकली है वो कंपेरेटिवली कम होगी। This particular type of respiration takes place in succulent xerophytes because they exhibit incomplete oxidation of carbohydrates during night and produce organic acids. So these organic acids are later oxidized during daytime. कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब हम रेस्पायरोमीटर के साथ काम कर रहे हैं। द स्टॉपर ऑफ गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर शुड बी केयरफुली ग्रीस्ड बिफोर इट्स यूज्ड ताकि लीकेज नहीं हो गैसेस का। द सेपरेट द होल्स ऑफ स्टॉपर एंड नेक ऑफ द बल्ब, कीप द ग्रेजुएटेड एंड लेवलिंग ट्यूब्स पैरेलल। हमेशा जब भी आपने इस डायग्राम में भी देखा होगा कि हमने भरा है दोनों ट्यूब्स के अंदर, इस वाली में ग्रेजुएटेड में और दूसरी वाली में, उनका लेवल को इनिशियली हम लोग ना इक्वल रखते हैं। एंड द केयरफुली एडजस्ट द लेवल ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन द लेवलिंग ट्यूब एंड ग्रेजुएटेड ट्यूब एट द टाइम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग्स।
जितने भी फैट है, जैसे अभी मैंने अभी बताया था, तो फैट जो है उनका जो आर क्यू होगा वो 0.7 होगा, मतलब लेस देन 1 आएगा। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो उनका क्या है, क्योंकि थोड़ा सा क्यों इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स वगैरह का, इनका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मतलब जिनके अंदर की ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो 1.33 के अराउंड आता है इनका। जो प्रोटीन्स होते हैं एंड डेरिवेटिव्स सर्व नॉर्मली एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ओनली इन सीड रिच इन प्रोटीन्स, तो इनका इनका भी डेफिनेटली जो आर क्यू होता है वो कंपैरेटिवली कम ही आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बोहाइड्रेट है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट में तो उनका 1 होगा और यूनिटी होगा। अगर वो फैट है उनके अंदर हमारा 0.7 या लेस देन 1 होगा। अभी मैंने बताया था पहले कि 102, अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम ट्राई पामेटिन लेते हैं तो 102 जो हैं वो हमें इसमें CO2 के इवॉल्व होते हैं और 145 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के कंज्यूम्ड होते हैं, तो लेस देन 1 ही आएगा। नाउ जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका क्या होता है, आर क्यू ऑफ रेस्पायरिंग सेल्स विल बी मोर देन 1 बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड। और इनका हमेशा जो है ऑर्गेनिक एसिड का आपको याद रखना है कि वो 1 से ज़्यादा होगा। और हमारे जो सक्यूलेंट्स होते हैं उनकी भी कंडीशंस जो होती है वो मोर और लेस ऐसी होती है, कभी ज़्यादा उनका होता है और कभी कम होता है। प्रोटीन्स का हमेशा ही लेस देन 1 होगा। इन जनरल अगर हम देखें तो जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उनके आर क्यू ज़्यादा हो जाते हैं, और हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके भी ज़्यादा होते हैं, पर जो फैट और प्रोटीन्स होते हैं उनके लेस देन 1 होते हैं।